हेलो दोस्तों, ख्वाहिशों के एक और एपिसोड में मैं आपकी होस्ट ओदो शिल्पा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बात हर बार ख्वाहिशों की करते हैं तो एक बार फिर हमारा मुकाम तय हो चुका है और ये मुकाम आकर खत्म हुआ है रातनाड़ा भास्कर चौराहा सुधा सिंह जी के ब्यूटी पार्लर में, जिसका नाम है स्पर्श ब्यूटी पार्लर। जी हाँ, आज हम आपको मिलाएंगे सुधा सिंह जी से। ये नाम भी बेहद जाना पहचाना है जो आपको हर जगह सुनाई देगा अगर हम ब्यूटी पार्लर्स की बात करते हैं, सलून्स की बात करते हैं। तो चलिए आपको मिलाते हैं सुधा सिंह जी से और उनके ब्यूटी पार्लर में लेकर जाते हैं और कोशिश करते हैं आपको बताने की कि उनकी क्या ख्वाहिशें। तो आइए चलिए। स्पर्श ब्यूटी पार्लर की, तो चलिए आपको मिलाते हैं स्पर्श ब्यूटी पार्लर की ओनर सुधा सिंह जी से। सुधा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे ख्वाहिशों में। हेलो सीनियर, थैंक यू मैम। आज हम जिसके आपके स्पर्श ब्यूटी पार्लर आए हैं, इसका नाम बहुत सुना है हमने और रातनाड़ा एरिया भास्कर चौराहे के आसपास तो बहुत ज्यादा आपके क्लाइंट्स है मुझे लगता है और दूर दूर से भी क्लाइंट्स आते हैं, तो क्या सोच के आपने पार्लर खोलने का डिसीजन लिया? एक्चुअली मैं दिल्ली बेस्ड हूँ और जब आफ्टर मैरिज मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला कि जॉब नहीं करना है और बच्चों की तरफ ध्यान रखो, तो मैंने कहा बच्चों के साथ साथ फिर मैं क्या करूँ। मैं मुझे खाली बैठना बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि मेरी जो पूरी फैमिली है वो जॉब ओरिएंटेड है। तो दैट्स व्हाई मैंने कहा चलो कुछ ऐसा करती हूँ कि घर में बच्चों को भी देखा जाए और सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जाए मैं। तो मैंने पार्लर स्टार्ट किया और वो मैंने देखा कि काफी सक्सेसफुली आगे बढ़ रहा है, तो हस्बैंड भी इससे बहुत खुश हुए और उन्होंने मेरे को हेल्प करना स्टार्ट किया। तो जब से लेके 96 से मेरा पार्लर चल रहा है। अच्छा। और काफी क्लाइंट्स, ऑलमोस्ट मेरे पूरे जोधपुर से क्लाइंट्स आती हैं और बीच बीच में क्लासेस भी लेती हूँ, ड्राइंग पेंटिंग्स छोटे बच्चों की भी, हॉबी क्लासेस गर्ल्स की भी, कुकिंग भी सिखाती हूँ मैं, मेहंदी है, शॉर्ट कोर्सेस और पार्लर्स हैं ये सब। अच्छा, मेरे आपसे एक और सवाल है कि दोनों तरफ मेंटेन करके चला, यानी घर को, बच्चों को और फिर ये वर्क करना, हालांकि इस काम से फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलता है लेडीज को, लेकिन फिर भी कभी दिक्कत आती है कि क्या करूं, घर को संभालूं कि पार्लर संभालूं? नहीं नहीं, टच वुड मेरे साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिकॉज मे बी मेरे बच्चों ने बचपन से मुझे काम करते हुए देखा और बीच बीच में मैं उनको देखती रहती थी, घर में ही है पार्लर। तो क्लाइंट्स को सबको मैंने फोन नंबर दे रखे हैं, फोन कॉल करके ही क्लाइंट्स आते हैं, तो उन लोगों का भी काफी मेरे पास सपोर्ट है मेरे साथ में क्लाइंट्स का, कि मुझे कॉल करके आती हैं तो क्लाइंट्स आती हैं तो मैं क्लाइंट्स अटेंड करती हूँ, देन फिर मैं बच्चों का देखती हूँ, तो ऑलमोस्ट मेरा सारा पूरा मतलब एक रूटीन फिक्स है, तो मैंने कर लिया। स्पर्श ब्यूटी पार्लर में ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे पार्लर से अलग है? देखो मैं ये कहूंगी कि मेरा एक तरीके से पैशन है, पार्लर मेरा पैशन है जी,
और तो पैशन के लिए मैंने जैसे कि और जगह होते हैं कि पेडिक्योर हो गया, फेशियल हो गया, नहीं मैं पूरा स्किन पे एनालाइज करती हूँ कि स्किन में क्या प्रॉब्लम है। क्लाइंट से सबसे पहले पूछती हूँ आपकी अगर पॉकेट अलाउ नहीं करती है तो भी मैं अपनी तरफ से इंक्लूड करके उनको उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करती हूँ कि उनको स्किन क्या डिमांड कर रही है। जी अगर वो 500 में फेशियल कराना चाहती है, हमारे पास पैसे नहीं है 500 में करना है, मैं क्या करती हूँ उनकी स्किन एनालाइज करके मैं अपनी तरफ से 1500 का करूंगी, कोई बात नहीं। इससे हाँ। क्या मेरी क्लाइंट्स बढ़ेगी, वो देखेगी हाँ उसको फर्क लग रहा है, आगे से आगे मेरी क्लाइंटेज बढ़ेगी, तो एक बार लॉस करके मैं आगे बढ़ती हूँ। अच्छा कभी ऐसी गर्ल्स आपके पास आती हैं जो दे वांट टू सी लर्न अबाउट पार्लर, क्या कोचिंग क्लासेस देती हैं आप? हाँ शॉप में देती हूँ। अच्छा बच्चे आते हैं, काफी गर्ल्स मेरे पास आई हैं सीख के गई हैं, और काफी गर्ल्स ने जोधपुर में भी पार्लर्स खोले हैं, अब्रॉड में खोले हैं, अच्छा दिल्ली बॉम्बे में हैं उनके पार्लर्स, बहुत सक्सेस हैं। जी अच्छा मैं वुमन एम्पावरमेंट की बात करूँ तो आप महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि महिलाएं कैसे आगे बढ़ सकती? मैं महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूंगी कि कई बार ऐसी महिलाएं भी होती हैं कि उनको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, बट वो अपनी फैमिली अवॉइड ना करें, सबसे पहले अपनी फैमिली की तरफ देखें। मेरा मानना यही है कि सबसे पहले अपनी फैमिली को देखना है, इन लॉज हैं, हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, उनको अवॉइड ना करके फिर अपनी तरफ देखें, ध्यान रखें कि हमें ये करना है। तो हर लेडीज़ के पास में चाहे वो हाउस वाइफ है चाहे वो वर्किंग है, उसके पास थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए बचता है, जब वो अपने लिए उस टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के वो कुछ भी ऐसा कर सकती हैं कि जिससे वो फैमिली भी अवॉइड नहीं हो, बच्चे भी अवॉइड नहीं हो और खुद भी वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। अच्छा आपने बोला आपके हस्बैंड भी आपको मोटिवेट कर देते हैं, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड रेलवेज में हैं और उनका मुझे बहुत सपोर्ट है। और बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे? बच्चे इस टाइम तो बच्चे मेरे अब्रॉड में हैं, दोनों बच्चे बेटा बेटी हैं, तो दोनों वो सेल्फ डिपेंडेंट हैं। हम ये ख्वाहिश शो लेकर आए सिर्फ महिलाओं के लिए मैम कि महिलाएं आगे बढ़े, और उसमें का बेस्ट एग्जांपल मानी जा सकती हैं, तो आप हमारी ख्वाहिश की जो महिला ऑडियंस है उनको क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शिल्पा, तुमने मुझे इतना सपोर्ट किया, मुझे इस लायक बनाया। मुझे ये ख्वाहिश प्रोग्राम बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ मेरे जैसे ही काफी लेडीज होंगी जो कुछ करना चाहती हैं बट घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मेरा थोड़ा सा टाइम मैं चाहती हूँ उनके लिए, तो मैं अभी एक फ्री ऑफ कोर्स पार्लर कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। थ्री मंथ्स का रहेगा और टू आवर्स के लिए उनको आना है। अच्छा, थ्री बैचेस लूंगी। अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट? फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कॉस्मेटिक भी मेरा होगा। अच्छा, और लेडीज को मैं कर रही हूँ, और एक मैंने कार्ड इश्यू किया है, प्रिविलेज कार्ड है, उसका ओनली ईयरली 8 सर्विसेज लेंगे वो, और 800 फर्स्ट उसका 800 कॉस्ट है जी कार्ड का जी। आफ्टर वो कार्ड जब फिनिश हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है आफ्टर ईयर, तो उसके बाद में मैं डिस्काउंट फेस पे चलाऊंगी, जैसे कि 250 कटिंग है तो मैं ओनली 100 ही लूंगी, 500 फेशियल है तो ओनली मैं 150 में ही फेशियल लूंगी। इस तरीके से मैं लेडीज को आगे बढ़ाने के लिए ये सब डिस्काउंट और फ्री क्लासेस देना चाहती हूँ। अगर जोधपुर की महिलाएं कुछ करना चाहती हैं और मुझे आगे बढ़ाना चाहती हैं, मेरी हेल्प अगर उनको चाहिए, तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये पार्लर का कोर्स और भी काफी सारे कोर्सेज में सिखाती हूँ, तो मेरे पार्लर में आके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकती हैं। मेरा फोन नंबर है 9414295910 एंड मेरा एड्रेस है 21D भास्कर सर्कल शिव मंदिर रोड रातनाडा नियर SBI बैंक। थैंक यू। पहले हम लोग आईब्रोज का थ्रेड जो होता है ना, उसको टीथ में दबाते हैं, दांतों के बीच में दबाएंगे, ऐसे 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 ग्रिप बनाएंगे टाइटली ताकि ये छूटे नहीं, ओके। और फिर इससे राइट हैंड से हम इसको ट्विस्ट करेंगे, कैसे 1 2 3 4 एंड 5, ओके ओके। और फिर ये जो लेफ्ट हैंड जो थंब है इसे हम प्रेशर देंगे और इसको एज अ क्रेंची बोलते हैं इसको, ऐसे चलाएंगे, ओके, इससे प्रेशर देंगे लेफ्ट थंब से। बताओ मुझे कैसे, जोर से बोलो, लेफ्ट हैंड से प्रेशर देंगे स्किन के ऊपर रखेंगे, जैसे कि लाइक दैट।
आप दो अपना हैंड, दो अपना हैंड दो, स्ट्रेच करो उसको। और देखो ये स्पिन पे रखा मैंने, ये जैसे स्ट्रेच हिलाएंगे बाल निकलेगा, लगा फील हुआ कुछ? स्पेशल आईब्रोज के लिए ही होता है, मीन्स अपने हेयर ग्रोथ रिमूव करने के लिए ही होता है। बॉडी पे कहीं पे भी जैसे हैंड्स का है, लेग्स का है, आईब्रोज का है, अपर लिप्स का है, फोरहेड का है, अपर चिन का है, अंडर चिन का सॉरी, तो ये कहीं से भी बाल रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ? और सबसे पहले हम लोग पाउडर लगाएंगे ताकि स्किन अगर हमारी स्वेटी है, पसीने वाली है, तो पाउडर से वो थोड़ी ड्राई हो जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर थ्रेड अच्छे से चलता है और बालों से निकालने से पेन नहीं होता है। रातनाड़ा एरिया में सुधा सिंह जी के स्पर्श ब्यूटी पार्लर में कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है। महिलाएं आमतौर पर यहाँ हमेशा आती हैं और सुधा सिंह जी की सर्विसेज को बेहद पसंद करती हैं। उन्हीं की एक क्लाइंट है रीना सोलंकी, आपको मिलाते हैं रीना सोलंकी से। हेलो रीना। हेलो मैम। रीना, आप यहाँ पे क्लाइंट हैं, आपको कितना वक्त हो गया है यहाँ आते हुए, कितने सालों से आप यहाँ आ रही हैं? मैम, यहाँ 3 सालों से आ रही हूँ और यहाँ पे मुझे पार्लर की जब बात करें कि मुझे यहाँ का मतलब सबसे अच्छा O3 फेशियल लगता है और मैं यहाँ मैनीक्योर पेडिक्योर करवाती हूँ। मैम बहुत अच्छे तरीके से मैनीक्योर पेडिक्योर करते हैं और यहाँ ये पार्लर मतलब काफ़ी और पार्लर से बेटर है। रवीना, आप मुझे लगता है हेयर कट करवाने यहाँ ज़्यादा आती है, कौन सा हेयर कट करवाती हैं आप यहाँ से? मैं फेदर कट, हेयर कट अच्छा रहता है करती हूँ। अच्छा, प्राइस की बात करें कि हेयर कट्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो यहाँ पे आपको रिजनेबल रेट में होता है? हाँ, यहाँ रिजनेबल रेट से हो जाता है। ओके, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो आज की ख्वाहिश में फिलहाल इतना ही। आपको मिलवाया स्पर्श ब्यूटी पार्लर और सुधा सिंह जी से। अगले सप्ताह एक नई ख्वाहिश के साथ फिर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त होस्ट शिल्पा को इजाजत। नमस्कार।